थेथरार थेथरार की करै छी, लाज जूता खाई छी, निकलै छी। यहाँ का विपक्ष बार बार कहता है कि ये करो, मगर वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है उसी को कहते हैं कि मैं बोलते हैं, अब इसको तो थेथर अनपार्लियामेंट्री वर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूँ शिवम कुमार। राजद पार्टी कार्यालय में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि इस मौके पर तमाम राजद के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हालांकि इस मौके पर मौजूद नहीं रहते हैं, तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली में हैं। जब इसी को लेकर हमने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीधे तौर पर कहा है कि कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है, आम जनजीवन जो है वो पटरी पर वापस आ रही थी, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ा दिए गए हैं उसके बाद से एक बार फिर से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, इस तरह से जो मार है वो आम जनता को नहीं देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बजट को लेकर भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीधे तौर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है हमको और बिहार की जनता को भी इस बजट से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। देखा हुआ कि दोहरा मापदंड वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। तो अब जब आपने देखा होगा कि जब महंगाई बढ़ती थी तो उस वक्त उनकी कथनी क्या थी, और अब भी जो महंगाई जो है मतलब बेतहाशा बढ़ रहा है, तो अभी उनकी कथनी क्या है? तो उनका जो कथनी और करनी है वो गरीब के विरोध में है, आम आदमी के विरोध में है, और हम लोग अपनी पार्टी के तरफ से इसकी तीव्र निंदा करते हैं और हम लोग इस पर ठोस कारगर आंदोलन करेंगे। बजट से सर क्या उम्मीदें हैं? बजट पेश होने वाली है, बजट से क्या उम्मीदें हैं सर? कई नए चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ऐसे में बजट भी पेश होने वाली है, क्या ये डमी बजट साबित होगी? नहीं, ऐसा है ना कि मैं एक चीज कहेंगे, बजट पे जो एनडीए सरकार का बजट आता है हर साल जी, तो ये हर साल अपना पीठ ठोकते हैं कि हमारा बजट का आकार जो है इतना बड़ा हो गया है, मगर ये कभी नहीं बताते हैं 31 मार्च के बाद कि जो बजट की स्वीकृति विधानमंडल के मार्फत मिली थी उसमें आपने लैप्स कितना किया। हर साल ये 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 करोड़ रुपया लैप्स करते हैं, जिसका हिसाब किताब जो है ना वो सार्वजनिक रूप से जनता को देते हैं, अब बताते हैं, मगर आकार का ये कहेंगे कि हमारा तो 2 लाख से ज्यादा, 2,20,000 का, 25,000 का बजट का आकार हो गया है। मगर जब थोड़ी देर के लिए उन्हीं की योजनाओं के लिए उन्होंने जो बजट की स्वीकृति ली है तो इसका दायित्व खर्च करने का किसका है? तो अब वो कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ देहात में कहते हैं थेथरा, तो हमारे यहाँ मतलब जो होता है कि वो कहेंगे कि बजट तो अनुमान का बजट है। अरे भैया, तो अनुमान ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ अनुमान हवा में रह जाए, बजट का खर्चा कीजिए, मगर इनके बजट में खास करके गरीबों को फोकस कभी हुआ नहीं, समझा कि नहीं, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, जो हमारे युवा हैं उनके लिए ये सब नहीं है। तो इसलिए हम पहले से भी नाउम्मीद हैं जो इनका कृत रहा है उसके आधार पर। तो आप देखिए, इब्तदाई इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतना कौन है सर? आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, समझिए भाई, जिन चीजों के बारे में यहाँ का बुद्धिजीवी, यहाँ का गरीब, यहाँ का आमजन, यहाँ का युवा, यहाँ का विपक्ष बार बार कहता है कि ये करो, मगर वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है उसी को कहते हैं कि
मैं बोलते हैं अब इसको तो थिएटर अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है थेथरा रे थेथरा की करी छी लाज जूता खाई छी नीके रही छी। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।